अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छू दें। bejojra.com अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए लगातार नई नई जानकारियां, ऐतिहासिक घटनाक्रम, इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज, बॉलीवुड और खेल दुनिया की बातें लेकर आती रहती है। ऐसे में हमारी कोशिश होती है कि किसी भी प्रकार के स्टोरीज में फैक्ट्स के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और आप तक सही जानकारी पहुंचे। इसके लिए हमारी टीम बेहतरीन ढंग से चीज़ों को रिसर्च करती है। इस बार हम आपके लिए एक खास वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के सात अजूबे के बारे में बताई जाएगी। यह लिस्ट अलग अलग संस्थानों द्वारा बदलता रहता है। हम जिन सात अजूबों के बारे में बात करेंगे आपसे वो है गीजा का पिरामिड, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पिसा का झूलता हुआ मीनार, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, क्राइस्ट द रिडीमर, ताजमहल और कोलिजियम। सात अलग अलग वीडियोज में हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे और आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी कि चीन के विश्व प्रसिद्ध दीवार के बारे में। चीन की यह विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किले नुमा दीवार है जिसे चीन के विभिन्न शासकों द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया था। चीन की यह महान दीवार 2300 साल से भी अधिक पुरानी है। इस दीवार की ऊंचाई हर जगह एक जैसी नहीं है। इस दीवार की सबसे ऊंची चोटी 35 फीट ऊपर है तो सबसे नीची चोटी 8 फीट की है। चीन के पूर्व सम्राट किंग शी हुआंग की कल्पना के बाद इसे बनाने में करीब 2000 साल से भी ज़्यादा का समय लगा। इस दीवार का निर्माण किसी एक सम्राट के द्वारा नहीं किया गया था बल्कि कई सम्राटों और राजाओं के द्वारा कई कई समय के अंतराल पर किया गया था। इस दीवार की लंबाई 6400 किलोमीटर है। ये दुनिया में इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी संरचना है। इस दीवार में कई खाली जगहें भी हैं। यदि इन खाली जगहों को भी जोड़ दिया जाए तो इसकी कुल लंबाई 8848 किलोमीटर हो जाएगी यानी कि 8848 किलोमीटर। यह कहा जाता है कि इस दीवार को बनाते समय इसके पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल कई सम्राटों द्वारा एक के बाद एक बनाए गए दीवार ने अंत में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का रूप ले लिया। चीन के शासकों ने दीवार को विदेशी उत्तरी हमलावरों से बचाने के लिए इसको बनाया था, खासकर मंगोल आक्रमणकारियों से बचाने के लिए। लेकिन बाद के वर्षों में यह दीवार केवल परिवहन और पर्यटन का जरिया बनकर ही रह गई है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का विस्तार चीन के 15 प्रांतों तक फैला हुआ है। यह उत्तर पश्चिम में शिनजियांग से पूर्व में कोरिया की सीमा तक फैली हुई है। चीन की यह विशाल दीवार देश की उत्तरी सीमा की रक्षा करता है। इस दीवार की खास बात यह थी कि इस दीवार की मदद से चाइनीज आर्मी दूर से आते दुश्मन पर नजर रख सकते थे। इसके लिए दीवार में कई मीनारें भी बनाई गई है। सन 1211 में चंगेज खान ने इसी दीवार को तोड़कर चीन पर हमला कर दिया था, जिसके बाद चीनी शासकों ने इसे और लंबा और मजबूत बनाया। 17वीं शताब्दी तक इसके निर्माण का काम लगातार चल रहा था। चीन के दीवार को चीनी पौराणिक कथाओं में लोकप्रिय प्रतीक के रूप में शामिल किया गया है। इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 5 घुड़सवार या 10 पैदल सैनिक एक साथ गश्त कर सकते हैं। इस पूरी दीवार में बीकॉन टावर, सीढ़ियां और कई पुल भी शामिल हैं। चीन की विशाल दीवार को दुश्मनों से देश की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, बाद में इसका इस्तेमाल सिर्फ परिवहन और सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए ही होने लगा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक तिहाई हिस्सा गायब हो चुका है। इसका कारण दीवार के सही रखरखाव की कमी के अलावा मौसम का अभाव, प्रभाव और चोरी भी है। 1960 से 70 के दशक में लोगों ने इस दीवार से ईंटें निकालकर अपने लिए घर बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन बाद में सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी। हालांकि चोरी आज भी होती है और तस्कर बाजार में इसकी एक ईंट की कीमत लगभग 3 पाउंड मानी जाती है। 85 डिग्री की ढलान और 30 सेंटीमीटर की चौड़ाई के साथ इस दीवार का सीमा तय वाला भाग सबसे संकरा है, जहां पर एक से ज़्यादा आदमी एक बार में नहीं गुजर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दीवार को बनाने में जो मजदूर कड़ी मेहनत नहीं करते थे उन्हें इसी दीवार में दफना दिया जाता था। आंकड़ों के अनुसार इसे बनाने में करीब 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसी कारण इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यह एकमात्र मानव निर्मित संरचना है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है और यह बात सच है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम आपको अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, चांद की बात नहीं कर रहे हैं। साल 1970 में इस दीवार को आम पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। लगभग 1 करोड़ पर्यटक हर साल दुनिया भर से इस दीवार को देखने के लिए आते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था का इस दीवार में भी अहम योगदान है। साल 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था।
चीनी भाषा में इस दीवार को वान ली छांग छंग कहा जाता है, जिसका मतलब होता है दुनिया की सबसे विशाल दीवार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, रिचर्ड निक्सन, रानी एलिजाबेथ टू और जापान के सम्राट अकिहितो सहित दुनिया भर के करीब 400 नेता इस दीवार को देख चुके हैं। अगर आप भी चीन की दीवार की यात्रा करना चाहते हैं तो मई से अक्टूबर का समय सबसे उत्तम है। सर्दियों में दीवार बर्फ से ढक जाती है, जिससे यात्रा करना संभव नहीं है। तो ये थी जानकारी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में, इसका इतिहास, इसका भूगोल, इसके बारे में सब कुछ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। हमें सपोर्ट करने के लिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को छूना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।